गाइस हम लोग खड़े हैं यहाँ पर नहर के ऊपर, अच्छा घूमने के लिए आए हुए हैं, ये घूमने के लिए आए हुए हैं। कुछ लोग पहले से ही मछली पकड़ रहे हैं अंदर, वो नहर के अंदर है। वहाँ पे दिखाता हूँ किस तरह का चल रहा है सीन, वहाँ पर मछलियाँ कैसी कितनी है, अगर मछलियाँ हैं तो, और बहुत सारी चीज़ें अंदर चलकर देखते हैं गाइस। हेलो दोस्तों, मैं राशिद, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैंने चैनल स्टार्ट किया है, अभी क्रिएट किया है अपना चैनल व्लॉगिंग के लिए। और मैं आज आपको लेकर के आया हूँ अपने टाउन, मेरा टाउन जो पड़ता है होम टाउन, यहाँ पे एक नहर है, काफ़ी बड़ी गंगा, छोटी गंगा बोला जाता है इसको। और यहाँ पर मैं, ये पानी आज बहुत कम है यहाँ पर, तो मैं आज आपको यहाँ पे घुमाऊँगा, आपको दिखाऊँगा गाइज, तो चलो चलते हैं। हेलो गाइज, शाम का वक्त हो रहा है, धूप छिपती जा रही है धीरे धीरे, बड़ा अच्छा लग रहा है बाइक करते हुए, और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। मेरे पीछे बैठे हुए हैं महराज राजपूत, इज़ वेरी गुड गाय, और बड़ा सही लग रहा है अभी चलने में। मैं देखो आगे से दिखाता हूँ आपको, थोड़ा इस तरह से एंजॉय आ रहा है, वेरी नाइस। और चलो मैं एक छोटा सरप्राइज देता हूँ आपको, जो अभी हम जो राइड कर रहे हैं, ये जो हमारे पास गाड़ी है, ये मतलब बस जो भी देख रहा है ना, वो बस हमें देखता ही जा रहा है, ऐसी गाड़ी है, तो वो हम आप लोगों को दिखाएंगे ज़रूर। आज हम जा रहे हैं शूट के लिए, हमारे होम टाउन से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर एक नहर है, कैनल है, तो उसकी शूटिंग के लिए हम जा रहे हैं वहाँ पे बहुत तेज। तो गाइस अभी मैं वीडियो बना रहा था तो अचानक से एक मधुमक्खी आके मेरे कपड़ों में घुस गई और मेरा बहुत ही बुरा हाल कर दिया। आपने देखा ही अभी क्या हुआ, मैं जैसे वीडियो शूट कर रहा था अचानक से पता नहीं कहाँ से मक्खियों का हमला हुआ हम पे, और काफ़ी मज़ा भी आया, मतलब उन्होंने जिस तरह से मेरे कपड़ों में घुस गई वो, और राशिद भाई ने तो उसको मोबाइल ही फेंक के मार दिया। ये राशिद भाई गाइस बहुत ज़्यादा हमला हो गया था मक्खियों के द्वारा हमारे ऊपर। तो गाइस यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अपनी लोकेशन पे, अब नहर की शूटिंग थोड़ी सी, चलो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो गाइस अभी हम लोग नहर पर आए हुए थे मीरापुर, यहाँ पर एक टाउन पड़ता है, कस्बा कुतुबपुर के बीच में, मीरापुर के बीच में नहर है, खतौली वाली नहर भी इसको बोलते हैं हम लोग। यहाँ पर काफ़ी लोग, लड़के हमें खड़े हुए मिले, घूमने के लिए आते रहते हैं यहाँ पर। तो आप लोग क्या करने आते हो यहाँ पर? घूमने। अच्छा आप भी घूमने आते हो, आपका नाम क्या है? सलमान। सलमान आरिफ। और आप? सुहेल। सुहेल। अच्छा तो आप लोग मतलब घूमने के लिए आते हो इवनिंग वॉक के लिए, पढ़ाई भी करते हो सभी लोग? वेरी गुड, सभी लोग पढ़ते भी हैं, घूमने के लिए भी आते हैं, बड़ा अच्छा है। अभी क्या है कि यहाँ पे ना ये नहर उतरी हुई है, पानी सूखा हुआ है, ज़्यादा पानी नहीं आ रहा है, तो इसलिए लोग घूमने के लिए आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं, इवन इनके अलावा भी काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ते हैं लोग, कुछ नहाते हैं, क्योंकि जब भर जाती है पूरी फुल नहर आती है ना, तो उस वक्त नहीं आते यहाँ पर, पुलिस वाले भी मना करते हैं, क्योंकि काफ़ी कई लोग बच्चे जो थे ना वो डूब के उनका कुछ का मतलब वो डेथ हो गई थी, तो तब से मना करते हैं यहाँ पे, लेकिन जब नहर सूख जाती है तो लोग आते हैं काफ़ी यहाँ पे आने के लिए। तो ये लोग हमें मिले, हम लोग आए हुए थे आज यहाँ पर, तो हम भी अभी नहर के अंदर जाके देखते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है वैसे यहाँ पे, और काफ़ी सही नज़ारा लग रहा है नीचे का, बड़ा क्रिस्टल एंड क्लियर पानी आ रहा है नीचे का इस, और वहाँ पर छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं काफ़ी, हमने अभी देखी थी लोगों को पकड़ देते हैं मछलियाँ, तो हम भी अंदर जाके भी देखते हैं आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है गाइस। यहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं तो आसानी से पढ़ सकते हो आप,
आइए आप आइए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और पत्थर हैं काफ़ी, ईंटें पड़ी हुई हैं यहाँ पर, पानी बिल्कुल क्लीन इस तरह क्लियर आ रहा है पानी यहाँ पर, तो आगे भी चलेंगे हम, आगे भी दिखाऊंगा गाइस आपको, आगे भी चलना है आपको, आगे भी देखना, काफ़ी गहरे माने जाते हैं लोग, हम लोग जब छोटे थे तो बहुत डरते थे यहाँ पर आते हुए, तो झाल का भी पानी मतलब इसको बोलते हैं, तीन डर है यहाँ पर, और यहाँ से झाल का पानी आता है दूध की तरह, तो बच्चों को हम बोलते थे गाइस देखो ये दूध का पानी आ रहा है या दूध है। तो आगे चलिए गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ आगे से कितनी गहराई है, कैसा है व्यू, कितना अच्छा आ रहा है यहाँ पर, और पत्थर काफ़ी सही ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग नैनीताल जाते हैं या हरिद्वार जाते हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं, तो उनमें क्या की कॉफ़ी लग रही है सर, उसी में से पानी आ रहा है यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा है, सुंदर नज़ारा है। आइए आप आगे मसूरी, आप कहीं भी जाओ घूमने के लिए आसानी से जा सकते हो यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं आपको ओहो मैं गिरता गिरता मैंने यहाँ पैर रखा और ये स्लिप हो गया, मैं यहाँ से गिरता गिरता बचा गया। बाकी अच्छा है, इंजॉयबल है, इंजॉय कर सकते हो, और जिन लोगों को पसंद होता है ना जैसे एडवेंचर्स के लिए जाते हैं लोग, तो एडवेंचर्स के लिए बड़ा मतलब अच्छा स्पॉट है, काफ़ी टाइम के लिए सूखी रहती है, लगभग एक महीने के लिए टाइम आता है जब एक महीने के लिए सूख जाती है, बहुत कम पानी आता है, तो बड़ा सही है, अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद आज।